पंजाब के मोहाली से हैं अशोक जी, स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार जी। जी, नमस्कार हेलो जी जय जी हिंद फकीर साहब, जय हिंद जी। जय हिंद जय हिंद। बताइए क्या सवाल है भाई। सवाल तो मेरे दो हैं, एक तो मेरा अपना सवाल है, सुपाइन दी प्रॉब्लम और है। नमस्कार जी। जी स्पाइन की जय हिंद प्रॉब्लम है, जी। टीवी हाँ, मसल में। मेरे को स्पाइन भी प्रॉब्लम है। स्पाइन स्पाइन बोला है ना आपने? L4, हाँ जी, L4 L5 प्रेस हाँ हुए हुए हैं, ठीक है जिसकी ठीक है। और वजह से दर्द रहता है मेरी सज्जी लत में। हाँ, जी मैं समझ गया। और दूसरा सवाल बताएं। एक मेरी मिसी को प्रॉब्लम है। ये जी हेलो, नमस्कार डॉक्टर। जी आदाब मेरे आदाब। को ना जी, मेरे को ना एक तो भी काफी, हेलो, मैं सुन रहा हूं, आप मेरे को बताइए। गैस बहुत बनती है जी पेट में। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, पहले स्पाइन के बारे में बात करेंगे। हमारे कमर के डिस्क अपनी जगह से हल्के से सरक जाते हैं, जिसे स्लिप डिस्क कहते हैं। और यही दर्द जब हमारे पैरों की तरफ भी जाने लगता है, तो फिर ये साइटिका बन जाता है। गाँवों में इसे लकड़ी का दर्द भी कहते हैं। इसका भी इलाज यूनानी में है, लेकिन समझ लें, गौन स्याह एक काले गौन को कहते हैं, काला गौन भी कहते हैं, गौन स्याह भी कहते हैं। अगर असली हासिल कर पाए, असली वाला, नकली बहुत मिलने लगा है, तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाया करें, नाश्ते और खाने के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। तो ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वज़न ना उठाएं, और ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। और गैस के लिए, आप की पत्नी के लिए, अरंडी का तेल मेडिकल स्टोर पे मिलता है, इसे कैस्टर ऑयल कहते हैं इंग्लिश में। एक चम्मच सुबह पिलाएं इन्हें, और एक चम्मच शाम, छोटा चाय का चम्मच। लेकिन जब भी पिए, बाद में खूब गर्म पानी पिए 2 बार, तो आपकी पत्नी का भी ठीक होना मुमकिन है। जी, हिमाचल से हैं राकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, वकील जी नमस्कार। साहब सलाम। सलाम भाई, जय हिंद। अच्छा, मैं वकील साहब, पहले भी आपसे बात की, आप तक एक हफ्ता पहले, मेरे को प्रॉब्लम है इसमें, जूरिन में, पेशाब में प्रॉब्लम है। तो वकील साहब, मेरे को ना जब पेशाब करने के बाद ना, जैसे वो जमीन के ऊपर पेशाब वो झाग सी होती है, मतलब जैसे चाबी टाइप का जम जाता है। लहसुन वगैरह यूज करता हूँ, आपको मैं पहले भी बताया था। हाँ ठीक है ठीक है। जी, वो मेरे को प्रॉब्लम है। तो पहले मैं टी केयर वगैरह खाया, इसके मतलब प्रॉब्लम जो, तो मेरी ठीक हो गई है, उसके बाद में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ मेरे को, ठीक। इसका कोई बता दीजिए इलाज। अच्छा देखिए, मैं अक्सर बताता हूँ, जैतून का नमक आता है, एक जैतून का नमक, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा ही होता है, लेकिन नमकीन नहीं होता। असली लें, और ऐसा एक या दो चुटकी, ये चुटकी कहता हूँ मैं, इसे पानी मिलाएं और दिन में 1 बार या 2 बार पी लिया करें, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी, मेरठ से हैं सिमी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम जी, नमस्कार। जी। मुझे ये हकीम साहब जी से बात करनी है जी मैम। जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ सिमी नमस्कार जी, नमस्कार सर जी, मैं आदा। मेरठ से बोल रही हूँ। हाँ जी सर जी, मेरा ना बेटा है, मैंने उसके लिए थोड़ा पूछना है। वो 33 साल का है, तो वो शिप पे रहता है, मर्चेंट नेवी में है। तो वो जब आया वहां से, तो उसको ना मतलब ब्लड टेस्ट कराता है वो अपना, तो एकदम ही उसकी हीमोग्लोबिन भी कम और उसकी प्लेटलेट्स भी डाउन थी। तो जी वो फिर अब मतलब डॉक्टरों को दिखाया है, कोई कह रहा है जी खून नहीं बन रहा अंदर, कोई कह रहा है बोन मैरो का प्रॉब्लम है, कोई कुछ है। जी ठीक। तो समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अब आयुर्वेदिक दवाई भी शुरू करी है, तो ठीक अभी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है जी।
हाँ देखिए, माँ का दिल कितना तड़पता है मैं जानता हूँ। बच्चा आया इतने दिन में और उसको प्रॉब्लम है, लेकिन फिक्र ना करें, भगवान पर भरोसा रखें। देखिए मैं जो दवा बताऊँ उसे मामूली मत समझना, ये दुनिया की बेहतरीन दवा है। इसे कहते हैं पपीते का पत्ता। पपीते का पत्ता तो कोई यूज ही नहीं है, लोग फेंक देते हैं। तो पपीता घरों में भी लगे होते हैं, मेरठ में खेती भी होती है, लोग अक्सर लगा लेते हैं अपने आंगन में। पपीते का पत्ता ले लीजिए बस, और वो 3 या 4 इंच का इतना होता है, 3 या 4 इंच, एक उंगली से थोड़ा बड़ा। ये दिन में एक बार उसको खिला दीजिए, अगर ऐसे ही खा ले, चबा के खा ले, या उसको पीस के पानी में पिला दीजिए। और कड़वा होता है तो शक्कर भी मिला सकते हैं मीठा करने के लिए। दिन में एक बार या 2 बार पिला दिया करिए, आपके बच्चे को फायदा होना मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं उषा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, जी नमस्कार, हकीम साहब से बात कर रही है मैम। बात कीजिए। जी आदाब, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, आदाब हकीम साहब। आदाब। सर मेरी गुड़िया है 8 साल की, हाँ तो खाती पीती तो बहुत अच्छे से है लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ती है। ठीक। जी गुड़िया के लिए एक गोंद ले, लेकिन बच्चा है देखो असली लेना। गोंद मोरिंगा सफ़ेद आता है, ये रॉ मटेरियल है, गोंद है, लेकिन इसमें नकली बहुत मिलने लगा है। सफ़ेद रंग का होना चाहिए, जैसे ऑफ वाइट होता है। और इसको पाउडर बना लें, रॉ मटेरियल है, असली लेना ज़रूरी है। और आधा ग्राम 1 गिलास नारियल पानी में, दूध में या पानी में मिला के रोज़ दे दिया करें, बस एक बार। लेकिन आधा ग्राम देना, बच्ची छोटी है, इससे ज़्यादा ना दें, बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, फरीदाबाद से हैं मुकेश जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार, जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी मैम। जी आदाब भाई, जय हिंद, बताइए क्या जय सवाल हिंद। डॉक्टर साहब मेरे ना दोनों किडनी में 12-12 mm की स्टोन है, तो ठीक है। वो कभी कभी तो इतना दर्द करती है कि बर्दाश्त नहीं होता, तो दवाई से भी ठीक नहीं होता। कोई है उसका कोई सोल्यूशन? क्यों नहीं, ज़रूर है। किडनी में कितनी भी बड़ी पथरी हो, उसका निकल जाना मुमकिन है। देखिए दर्द के लिए तो दर्द की दवा हमेशा अपने साथ रखा करें, खूब भारी किस्म की, खूब ज़्यादा पोटेंसी की, क्योंकि जब दर्द होता है तो आदमी कितना तड़पता है मैं जानता हूँ। और देखिए नमक जैतून आता है, एक नमक जैतून, ये देखने में नमक जैसा लेकिन नमकीन नहीं होता, ये इसकी पहचान है, असली ले लें। और आधा ग्राम 1 गिलास पानी में मिला दें और एक नींबू निचोड़ दें, और इसे रोज़ाना एक बार या 2 बार पी लें, लेकिन इसे पीने के बाद 2 गिलास पानी और इसके बाद पीना है, ऐसा आप रोज़ किया करें। दर्द हो तो दर्द की दवा लें, ये पथरी का पाउडर बना देती है, और फिर ये जो 2 गिलास पानी और ज़्यादा पिला रहे हैं ना, तो जब ज़्यादा पानी एक साथ पिया जाए तो पेशाब भी फोर्स से आता है, तो ये जाके पाउडर करता है, पथरी को बारीक कर देता है, और ये फोर्स से पेशाब के साथ वो निकल जाती है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी राम जी हैं यूपी से, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी यादव, जय हिंद। जी टीवी मत सुनिए, हेलो। आप फोन पे बात कीजिए। हाँ हेलो मैडम, जी बोलिए। बात हो रही है भाई, बताइए कि सवाल कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ नमस्कार। जी मैं बार बार आपको आदाब जय हिंद बोल रहा हूँ, आप सवाल ऐसे करिए। परेशान है खाना कैसी होती है, खाना क्या परेशानी रहती है? खाने के बाद कैसी आती है, पलटी सी आती है? खाना खाने के बाद आपको उल्टी सी आती है? हाँ उल्टी सी आती है, गैस से थोड़ी हैरान है। ठीक। जी
अच्छा देखिए, एक नुस्खा है और आप समझ लें कि एक नमक आता है जो देखने में बिल्कुल नमक जैसा ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, इसे आसान भाषा में नमक जैतून कहते हैं, नमक जैतून। ये ले लीजिए, खरीद लीजिए थोड़ा सा, 100 ग्राम 150 ग्राम जितना भी आपने, और जब भी खाना खाया करें तो या तो अपने सब्जी सालन में ही एक या दो चुटकी उसमें मिला लिया करें, ये नमकीन नहीं होता, मिक्स कर लें या तो या फिर पानी में मिला के एक या दो चुटकी पहले ही पी लिया करें खाना खाने से, और फिर खाना खा लिया करें। दिन में एक बार या दो बार आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, बिहार से हैं मुकेश चौधरी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए मुकेश जी, टीवी से मत सुनिए बिल्कुल भी, सवाल कर लीजिए। बोलिए। हमारे पेट में बराबर हल्का हल्का दर्द होता है। आपकी उम्र क्या है? 40 साल। ठीक है। देखें, आप मेडिकल स्टोर्स पर एक यूनानी दवा मिलती है जिसको अरंडी का तेल कहते हैं, आसान भाषा में अरंडी का तेल। ये आप ले लीजिए, अच्छा भरोसे की कोई कंपनी का, और एक चम्मच अरंडी का तेल पीजिए, छोटा चाय का चम्मच, और गर्म पानी पी लीजिए दिन में दो बार, खाने से पहले या खाने के बाद, जैसा भी आपको आसानी हो, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल मुकेश जी, आपको फ़ायदा हो जाएगा, नुस्खा आपको बता दिया है, यूनानी एक दवा है जो हकीम साहब ने अभी आपको यहाँ पे बताई है, उसका सेवन कर लीजिए, आपको आराम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। दर्शकों, आप लोग भी हकीम साहब से बात कर सकते हैं, कार्यक्रम लाइव है, फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं, या फिर कोई भी रॉ मटेरियल आप लोग मंगवाना चाहते हैं तो हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, क्या नाम है? जीवन मिश्रा। जी जीवन मिश्रा जी, आपका सवाल क्या है? हम गाजियाबाद से बोल रहे हैं, हमारे मिसेज को जो है ना, हाँ, पूरे बॉडी में दर्द रहता है। और ये दर्द कब से है? ये इन्हें हो गया 8-10 साल हो गए। और कोई दिक्कत? हाँ। अच्छा, उनकी उम्र बता दीजिए। उम्र है इनकी 55। ठीक है, क्यों ना मैं आपको एक ऐसा रॉ मटेरियल बता दूं जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, और उसको कहते हैं गौंसिया। गौंसिया एक पेड़ का गौंद है जो सिर्फ 0.5 ग्राम दिन में दो बार लेते हैं, 0.5 ग्राम। ये गौंसिया अगर आपको असली मिल जाए, लेकिन नकली बहुत मिलता है, इसमें लोग एलवा दे रहे हैं दुकानदार, उसमें उनको ज़्यादा फायदा होता है, तो दुकानदारों को चाहिए कि वो असली दें, नकली ना दें। तो ये गौंद सिया जो है एक कुदरती रॉ मटेरियल है जिसको असली मिल गया, तो देखिए 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है, और कैसा ही दर्द हो, कितना ही पुराना हो, असली मिलना ज़रूरी है। 0.5 ग्राम नाश्ते के बाद खिलाएं पानी से, या बगैर चर्बी के दूध से, नाश्ते के बाद 0.5 ग्राम, और रात को खाने के बाद, बस काफ़ी होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, 10 साल से आप तकलीफ में हैं, वो दवाएं भी खा सकते हैं जो डॉक्टर देते हैं, लेकिन ये आपको फ़ायदा थोड़ा देर में करेगा, 5-7 दिन के बाद हल्का हल्का सा आराम शुरू होगा, तो आप थोड़ा सब्र करना, 1 महीने 20-30% फ़ायदा बेशतर लोगों को मुमकिन है। तो अगर इतना सब्र कर सकें, देखिए जहाँ 10 साल आपने सब्र किया, वहाँ 2-3 महीने कोई बड़ी बात नहीं होती, वो 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है, अगर असली मिल गया तो आपकी पत्नी को फ़ायदा मुमकिन है।